समाकलन के बारे में हम बात करते हैं। तो समाकलन गणित की खोज है, फलन से पहले हुई थी। समाकलन गणित के अध्ययन की शुरुआत है। हम समतल क्षेत्रों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अनंत श्रेणी का योग करने में हुई है, यानी प्रत्येक पद शून्य की ओर अग्रसर था। समकलन प्रक्रिया के कारण इस विषय का नाम समाकलन पड़ा है। समतलीय वक्रों का क्षेत्रफल, ठोसों का आयतन, गुरुत्वीय केंद्र आदि ज्ञात करने हेतु व्यापक विधियों की आवश्यकता के फलस्वरूप समाकलन गणित का उद्भव हुआ है। अवकलन गणित में हम दिए गए फलनों के अवकलन गुणांक ज्ञात करते हैं, जबकि समाकलन गणित में हम वह फलन ज्ञात करते हैं जिसका अवकल गुणांक दिया है। तो यहाँ पर समाकलन अवकलन का प्रतिलोम है, इसलिए इसे प्रति अवकलज या फिर पूर्वक भी कहते हैं, यानी एंटी। तो परिभाषा के अनुसार हम देखें, डी इक्वल टू डी ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स होगा। दिए गए फंक्शन एफ ऑफ एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन कहलाता है। तो समाकलन का साइन कैसे होगा? इस तरीके से होगा समाकलन का साइन, ये समाकलन का साइन है। इंटीग्रेशन ऑफ, यानी समाकलन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स, तो ये साइन है। यहाँ पर इसका प्रयोग समाकलन हेतु, डी एक्स का तात्पर्य है एक्स के सापेक्ष समाकलन। यहाँ पर ये डी एक्स है, इसका मतलब है एक्स के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं हम। यहाँ फलन एफ एक्स जिसका समाकलन करना है उसे समाकल कहते हैं, यानी इंटीग्रेलेंट कहते हैं एफ एक्स को समाकल। और कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, इसको हम समाकल कहते हैं, यानी इंटीग्रल। तो जो इंटीग्रेशन के अंदर वाला पार्ट होता है उसे इंटीग्रेंड कहते हैं, और जो बाहर वाला पार्ट होता है जो हमें कैलकुलेट करना होता है उसे इंटीग्रल कहते हैं। क्योंकि समाकलन व अवकलन परस्पर प्रतिलोम प्रक्रम है, अतः हम कह सकते हैं कि अवकलन ऑफ समाकलन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू अवकलन ऑफ एफ ऑफ एक्स, और अवकलन ऑफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि इसका अवकलन भी एफ ऑफ एक्स ही होगा। तो यहाँ पर फलन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, इसका समाकलन हम ज्ञात समाकलन करके प्राप्त फलन का पुनः अवकलन करके दिया गया फलन प्राप्त किया जा सकता है। तो जैसे कुछ फंक्शन दे रखे हैं, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो कॉस एक्स का समाकलन क्या होगा? साइन एक्स होगा, यानी उल्टा होगा, कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स। जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है अवकलन, तो इंटीग्रेशन 2x dx का समाकलन क्या होगा? समाकलन ऑफ 2x dx का वो एक्स स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से, और रिवर्स प्रोसेस है अवकलन की। अगर हम समाकलन ऑफ एफ एक्स डी एक्स निकाल रहे हैं तो वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स आएगा, जो कि एफ ऑफ एक्स का समाकल है। समाकलन ऑफ एफ एक्स डी एक्स को समाकल, इंटीग्रल तथा समाकल का मान ज्ञात करने की प्रक्रिया इंटीग्रेशन कहलाती है। अनिश्चित समाकल या समाकल अचरांक, यानी इनडेफिनेट इंटीग्रल, और एंड कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि कॉन्स्टेंट का अवकलन क्या होता है? जीरो होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अवकलन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अवकलन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू अवकलन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस अवकलन ऑफ अचर। तो अवकलन ऑफ एफ एक्स एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, अवकलन ऑफ अचर जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस जीरो। इसी तरीके से अगर हम निकालें कि यहाँ पर अवकलन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू समाकलन ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, अवकलन ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स। तो यहाँ पर एक्स के सापेक्ष दोनों का अवकलन कर दें हम, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी डी एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो यहाँ भी एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सी एक स्वेच्छाकारी अचर है, यानी एर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, जिसे समाकलन का अचरांक भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये टी से स्वतंत्र है, किसी भी सतत फलन एफ ऑफ एक्स का समाकल का मान अद्वितीय नहीं होता बल्कि अनंत होते हैं। यदि इनमें से एक समाकल एफ ऑफ एक्स जो कि एफ ऑफ एक्स प्लस सी होंगे, या सी के भिन्न भिन्न मान
होने पर फलन के भिन्न भिन्न समाकल प्राप्त होते हैं जिनमें से केवल अचर पद का ही अंतर होता है, जैसे कि अपकलन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन का अपकलन क्या होता है, 2x होता है, लेकिन 2x का समाकलन हम करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस फोर का अपकलन क्या होता है, 2x ही होता है, लेकिन यहाँ पर अगर 2x का अपकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस टू समान नहीं है, तो इसमें एक अचर पद का अंतर है यहाँ पर, जैसे कि अचर पद का अंतर है ये वन है ये फोर है। तो अनिश्चित समाकल की प्रत्येक समस्या में समाकलन का अचरांक समाकलन की प्रक्रिया में पूर्ण होने पर जोड़ना चाहिए। समाकलन के प्रमेय क्या है, थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे कि अचर पद के हेतु समाकलन का प्रमेय क्या है, के ऑफ एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू के बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन, यानी कि समाकलन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो एक अचर या एक फलन, एक अचर व एक फलन के गुणनफल का समाकलन उस अचर व चर फलन के समाकल के गुणनफल के बराबर होता है। अवकलन के प्रमेयों से हम जान सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि डी ऑफ एक्स के एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो के बार ले लिया डी ऑफ एक्स डी वाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी के टाइम्स एफ ऑफ एक्स, दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं हम। यहाँ पर भी इसका समाकलन कर दिया हमने, यहाँ पर भी इसका समाकलन कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, समाकलन ऑफ के एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्योंकि डी एक्स डी एक्स कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर के बाहर आ गया एफ ऑफ एक्स डी एक्स। दूसरा प्रमेय है कि जब समाकलन हम करते हैं, जैसे कि समाकलन ऑफ एफ वन एक्स प्लस माइनस एफ टू एक्स डी एक्स, तो ये एफ वन एक्स डी एक्स एक बार अपकलन कर देंगे, फिर दूसरे का हम अलग अलग अपकलन कर देंगे, यानी दोनों को अलग तोड़ देते हैं, तो दो चर फलनों के योग व अंतर का समाकलन उनके समाकलों के योग व अंतर के बराबर होता है, यानी कि एफ वन डी एक्स एफ वन एक्स आ रहा है, एफ टू डी एक्स यानी समाकलन ऑफ एफ टू डी एक्स, ये क्या आ गया, एफ टू एक्स। इसी तरीके से अवकलन ऑफ एफ वन एक्स आ जाएगा, अवकलन ऑफ एफ टू एक्स एफ टू एक्स आ जाएगा इसमें। जैसे अवकलन हम करते हैं एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स, ये अवकलन हो जाएगा एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स, यानी एफ वन एक्स प्लस माइनस एफ टू एक्स, दोनों तरफ अवकलन करते समाकलन हम कर देते हैं, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे तो डी एक्स डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स डी एक्स आ जाएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एफ वन एक्स प्लस एफ प्लस माइनस एफ टू एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एफ वन एक्स डी एक्स प्लस माइनस एफ टू एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो दो या दो से अधिक पदों के योग पर यह लागू नहीं होता है, दो से अधिक पदों के लिए ये नियम यहाँ पर लागू नहीं होगा, परंतु अनंत पदों के योग पर लागू होना आवश्यक नहीं है। यानी दो से अधिक पदों के लिए भी ये नियम लागू होगा, दो से अधिक पदों के लिए भी पर भी, लेकिन अनंत पदों के लिए लागू हो ये जरूरी नहीं है। तो ये इसका क्या होगा, जनरलाइजेशन है कि इंटीग्रेशन ऑफ के वन एफ वन एक्स प्लस माइनस के टू एफ टू एक्स डी एक्स, ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ के वन एफ वन एक्स प्लस माइनस के टू एफ टू एक्स, तो के वन को बाहर ले लिया हमने कि एफ वन एक्स डी एक्स आ गया, के टू को बाहर ले लिया एफ टू एक्स डी एक्स आ गया। समाकल के मानक सूत्र यानी स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, तो हम यहाँ पर बहुत से मानक फलनों जो कि अपकलन जानते हैं उनके समाकलन सूत्र ले सकते हैं, जैसे कि एक्स की पावर एन का अवकलन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, तो समाकलन क्या होगा, समाकलन ऑफ एक्स एन की पावर माइनस वन का समाकलन होगा एक्स की पावर एन प्लस सी, एन को एन प्लस वन से अगर स्थापित करते हैं हम तो ये हो जाएगा एक्स की पावर एन डी एक्स, एक्स की पावर एन डी एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी, यहाँ पर एन है वो माइनस वन नहीं होना चाहिए। तो ये हम यहाँ पर अपकलन का सूत्र है, जैसे कि अचर का अपकलन क्या होता है जीरो, तो जीरो का समाकलन क्या होगा सी होगा, अचर का अपकलन क्या होता है एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का अपकलन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन जीरो नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से एक्स की पावर एन का समाकलन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, एन यहाँ पर माइनस वन नहीं होना चाहिए। अवकलन लॉग एक्स का होता है वन बाई एक्स, और अवकलन समाकलन वन बाई एक्स का होता है लॉग एक्स प्लस सी, एक्स यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए। अवकलन ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होता है, जबकि ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स प्लस सी होगा,
अपकलन ए की पावर एक्स का अपकलन ए की पावर एक्स लॉग ए होगा, जबकि ए की पावर एक्स का समाकलन क्या होता है, ए की पावर एक्स डिवाइड बाई लॉग ए प्लस सी। साइन एक्स का अपकलन कॉस एक्स, जबकि कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स प्लस सी। कॉस माइनस कॉस एक्स का अपकलन साइन एक्स, जबकि साइन एक्स का अपकलन माइनस कॉस एक्स। टेन एक्स का अपकलन सेक एक्स स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स। माइनस कॉट एक्स का अपकलन कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस कॉट एक्स। सेक एक्स का अपकलन सेक एक्स टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन सेक एक्स। कोसेक एक्स का अपकलन कोसेक एक्स कॉट एक्स, और कोसेक एक्स कॉट एक्स का समाकलन माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। साइन इनवर्स एक्स का अपकलन क्या होता है, वन डिवाइड बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू मोड एक्स की वैल्यू लेस देन वन होनी चाहिए, जबकि वन डिवाइड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का अपकलन माइनस वन डिवाइड बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मोड है एक से कम होना चाहिए, जबकि इसका समाकलन क्या होगा, समाकलन ऑफ माइनस वन डिवाइड बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये होगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन वन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, जबकि वन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉट इनवर्स प्लस सी। sec इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, वन डिवाइड बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, जबकि वन डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का समाकलन क्या होता है, sec इनवर्स माइनस sec इनवर्स एक्स प्लस सी। cosec इनवर्स एक्स का अवकलन होता है वन डिवाइड बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, जबकि वन डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का समाकलन क्या होगा, माइनस cosec इनवर्स एक्स। मोड का अवकलन क्या होता है, मोड एक्स डिवाइड बाई मोड एक्स का अवकल मोड एक्स डिवाइड बाई एक्स, एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। मोड एक्स डिवाइड बाई एक्स का समाकलन क्या होता है, मोड एक्स प्लस सी, एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। एक्स का अवकलन एक होता है, जबकि एक का समाकलन एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स का अवकलन एफ ऑफ एक्स होगा, जबकि डी वाई बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स का समाकलन एफ ऑफ एक्स होगा। किसी भी फलन के समाकलज के अवकलज और अवकलज के समाकलन में समकाल अचरांक का अंतर होता है। जैसे हम साइन इनवर्स एक्स का को माइनस को सेकंड इनवर्स एक्स, ये अचर पद से भिन्न होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स या पाई बाई टू होता है, इसलिए अचर पद से अलग होते हैं। सामान्यतः समाकलन ज्ञात करते समय जिस अंतराल में फलन परिभाषित होता है उस अंतराल को नहीं लिखते हैं। यहाँ पर अवकलन एवं समाकलन की तुलना हम देखें, दोनों सक्रियाएं फलनों पर होती हैं, प्रत्येक का परिणाम भी फलन होता है। दोनों सक्रियाएं हैं, रैखिक हैं। प्रत्येक फलन अवकलनीय एवं समाकलनीय होना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक फलन का अवकलज यदि अस्तित्व हो तो अद्वितीय होता है, परंतु किसी फलन का समाकलन यदि उसका अस्तित्व है तो अद्वितीय नहीं होता है। किसी फलन के अवकलज का मान एक बिंदु पर होता है, जबकि फलन के समाकलन का मान परिभाषित अंतराल पर होता है। किसी फलन के अवकलज का ज्यामितीय अर्थ यह है कि वह वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, जबकि किसी फलन के समाकलन का ज्यामितीय अर्थ यह है कि वह किसी छिके क्षेत्रफल के बराबर होता है। अवकलज का प्रयोग कण के वेग त्वरण आदि भौतिक राशियों को ज्ञात करने में किया जाता है, जबकि समाकलन का प्रयोग द्रव्यमान केंद्र संवेग जैसी भौतिक राशियों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अवकलन एवं समाकलन एक दूसरे के व्युत्क्रम क्रिया है। समाकलन की विधियां क्या है, समाकलन ज्ञात करने के लिए कुछ विधियां हैं, जैसे कि मानक सूत्रों के द्वारा, प्रतिस्थापन द्वारा, आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा, खंडस विधि के द्वारा समाकलन ज्ञात किया जाता है। मानक सूत्रों के प्रयोग द्वारा यानी इंटीग्रेशन बाय द यूज ऑफ स्टैंडर्ड फार्मूला। तो यहाँ पर कुछ फार्मूले दिए गए हैं, उनके आधार पर त्रिकोणमितीय सूत्रों इत्यादि का प्रयोग करके समाकलन को मानक रूप में लाने के आवश्यक पश्चात समाकलन किया जाता है, जैसे कि
एक्स की पावर सिक्स का हमें समाकलन करना है। तो जैसे हम जानते हैं कि एक्स की पावर एन डी एक्स का समाकलन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी। यहाँ पर एन है इक्वल टू नॉट इक्वल टू होना चाहिए माइनस वन, यानी एक्स की पावर सिक्स का आकलन क्या होगा, एक्स की पावर सिक्स प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स प्लस वन, एक्स की पावर सेवन डिवाइड बाई सेवन प्लस सी। अंडर रूट एक्स का आकलन क्या होगा, अंडर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर वन बाई टू, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स की पावर वन बाई टू प्लस वन और नीचे आ जाएगा वन बाई टू प्लस वन, यानी एक्स की पावर थ्री बाई टू और यहाँ पर थ्री बाई टू, तो ये हो गया टू बाई थ्री एक्स की पावर थ्री बाई टू प्लस सी। नेक्स्ट हम देखें एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई एक्स की पावर फोर, तो ये अलग अलग भाग दे देंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स की पावर फोर, वन डिवाइड बाई एक्स की पावर फोर, तो यहाँ पर आ गया वन बाई एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आ गया वन डिवाइड बाई एक्स की पावर फोर का इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स और एक्स की पावर फोर को लिख सकते हैं एक्स की पावर फोर माइनस डी एक्स समाकलन के रूप में, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाई माइनस टू प्लस वन प्लस एक्स की पावर माइनस फोर प्लस वन डिवाइड बाई फोर माइनस फोर प्लस वन, तो ये हो गया एक्स की पावर माइनस वन डिवाइड बाई माइनस वन, एक्स की पावर माइनस थ्री डिवाइड बाई माइनस थ्री प्लस सी, तो ये हो गया यहाँ पर वन बाई एक्स माइनस वन बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन हमें निकालना है वन डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स का, वन डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा समाकलन ऑफ एक्स की पावर माइनस वन बाई टू डी एक्स, तो एक्स की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन डिवाइड बाई माइनस वन बाई टू प्लस वन, यानी एक्स की पावर माइनस वन बाई टू डिवाइड बाई एक्स की पावर वन बाई टू डिवाइड बाई वन बाई टू प्लस सी। तो ये हो गया टू अंडर रूट एक्स प्लस सी। अब हम ज्ञात करें जैसे कि एक हमें ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई एक्स, इसका हमें क्या करना है अवकलन डी एक्स, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा समाकलन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स अलग अलग बी एक्स डिवाइड बाई एक्स सी डिवाइड बाई एक्स, यानी अलग अलग हम समाकलन कर देंगे, तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी प्लस सी, तो ये हो गया ए एक्स डी का समाकलन, तो यहाँ से ए बाहर आ जाएगा क्योंकि अचर पद है, समाकलन ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पर बी बाहर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एक्स का समाकलन क्या होगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू, यानी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस डीएक्स का समाकलन क्या हो रहा है यहाँ पर सिर्फ बी एक्स होगा समाकलन डीएक्स का, और वन बाई एक्स का समाकलन क्या होगा लॉग एक्स, तो सी लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस के। नेक्स्ट टाइम देखें इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करें समाकलन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई वन प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाई वन प्लस कॉस एक्स कॉस एक्स। अब माइनस वन माइनस कॉस स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर वाले फार्मूले से लिख सकते हैं वन माइनस कॉस एक्स प्लस वन प्लस कॉस एक्स, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का फार्मूला होता है यहाँ पर, ए यहाँ पर वन है और बी यहाँ पर कॉस एक्स है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड बाई वन प्लस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन यहाँ पर वन प्लस कॉस एक्स में वन प्लस कॉस एक्स आया तो क्या आएगा वन आएगा, यानी ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा वन प्लस कॉस एक्स से वन प्लस कॉस एक्स, तो वन का हमने अलग से समाकलन कर दिया और माइनस कॉस एक्स का अलग से समाकलन कर दिया, वन का अवकलन तो एक्स हो गया लेकिन कॉस एक्स है उसका अवकलन क्या हो गया साइन एक्स, तो एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है समाकलन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वन डीएक्स को ज्ञात करना है, तो समाकलन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वन डीएक्स है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन इसका समाकलन है। क्योंकि यहाँ पर क्या है एक बार माइनस एक बार प्लस रख के हमने इसको सॉल्व कर चेंज कर दिया है, ये वैल्यू को चेंज कर दिया है, यानी एक बार माइनस एक बार प्लस रखेंगे तो जीरो, मतलब क्या यानी आपने समाकलन किया तो क्या आ जाएगा एक्स का समाकलन एक्स माइनस वन वन डिवाइड एक्स प्लस वन,
एक्स का समाकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, वन का समाकलन एक्स हो गया, वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन का समाकलन क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस सी, यानी लॉग ये क्या होगा, एक से माइनस एक के इक्वल में होना चाहिए एक्स की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन याद करते हैं, अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स डी एक्स, समाकलन ऑफ अंडर रूट वन प्लस साइन टू एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हम देखें समाकलन ऑफ अंडर रूट वन प्लस साइन टू एक्स डी एक्स, तो ये समाकलन हो जाएगा, हम लिख सकते हैं वन को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब समाकलन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का अंडर रूट को हमने बाहर ले लिया है, फिर साइन एक्स का अपलन क्या होता है माइनस कॉस एक्स का अपलन क्या होता है प्लस साइन एक्स प्लस सी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखें, जैसे कि वन माइनस कॉस टू एक्स डिवाइड बाई वन प्लस कॉस टू एक्स का समाकलन भी करना है, तो वन माइनस कॉस टू एक्स डिवाइड बाई वन प्लस कॉस टू एक्स क्या आ जाएगा, वन माइनस कॉस टू एक्स हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स, और वन प्लस कॉस टू एक्स हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस टू एक्स इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स यानी टू कॉस स्क्वायर माइनस वन, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो ये हो जाएगा यहाँ पर टेन एक्स माइनस वन, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का आकलन क्या होता है टेन एक्स, और एक्स वन का आकलन क्या होता है माइनस वन का आकलन होता है एक्स सिर्फ। यहाँ पर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डिवाइड बाई वन प्लस साइन एक्स का आकलन भी करना है, तो ये हो जाएगा संयुग्म से गुणा, यानी वन माइनस साइन एक्स का वन माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ऊपर आ गया वन माइनस साइन एक्स, नीचे आ गया वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ऊपर आ गया वन माइनस साइन एक्स, नीचे आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो वन डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस के, साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा सेक एक्स टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन होता है सेक एक्स, तो यही आंसर होगा। एक वक्र की प्रवणता दे रखी है डी वाई बाई डी एक्स टू एक्स माइनस थ्री बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर ये वक्र बिंदु है वन वन से गुजरता है, तो वक्र की समीकरणता समीकरण ज्ञात कीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये होगी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, इसका हम समाकलन कर दें, हम यानी एक्स के सापेक्ष समाकलन कर दें डी वाई बाई डी एक्स एक्स का सापेक्ष एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, तो एक्स के सापेक्ष इसका समाकलन कर दिया हमने। टू एक्स माइनस थ्री एक्स की पावर माइनस टू, क्योंकि एक्स की पावर टू है, इसको ऊपर लेके गए हम, ये वन डिवाइड बाई एक्स की पावर टू है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये एक्स की पावर माइनस टू हो जाती है, फिर ये क्या आ जाएगा यहाँ पर सिर्फ डी वाई बचेगा, और यहाँ पर टू बार आ जाएगा अंडर रूड एक्स डी एक्स यहाँ से, फिर माइनस के थ्री बार आ जाएगा अंडर रूड एक्स, यानी कि अंडर रूड नहीं है इसमें समाकलन है, समाकलन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये बाई की वैल्यू आ जाएगी, समाकलन समाकलन कैंसिल आउट हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू माइनस के थ्री एक्स की पावर माइनस वन डिवाइड बाई माइनस वन, बाई की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाई एक्स प्लस सी। अब हम देखते हैं एक एक से गुजरता है, इसका मतलब बाई की वैल्यू हमने एक रख दी, एक्स की वैल्यू एक रख दी, तो देखा यहाँ पर सी की वैल्यू क्या आ रही है माइनस थ्री, तो वक्र का समीकरण है स्क्वायर, ये वक्र का समीकरण होगा, तो इसके आधार पर ये समाकलन के क्वेश्चन है हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन, यानी इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, चरों के प्रतिस्थापन के द्वारा दिए गए चर को उचित प्रतिस्थापन के द्वारा स्वतंत्र चर में परिवर्तन कर समाकलन, या समाकलन को ज्ञात रूप में बदल करके समाकलन करना प्रतिस्थापन से समाकलन करना कहलाता है। जैसे हम देखें कि समाकलन ऑफ एफ एक्स डी एक्स में एक्स का नए विचार में टी में और एक्स इक्वल टू एक्स टी पर प्रतिस्थापित किया जाए, तो यहाँ पर समाकलन जो होगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू समाकलन ऑफ एफ ऑफ एक्स टी एक्स वन डैश टी, और यहाँ पर एक्स ऑफ डैश टी है वो डी फाइव बाई डी टी पर गई है,
समाकलन हम करें एफ ऑफ एक्स डी एक्स का, ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स हो गया, यानी समाकलन ऑफ एफ एक्स डी एक्स का कैपिटल एफ ऑफ एक्स समाकलन हो गया। तो एक्स इक्वल टू फाइव टी है, तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ये हो जाएगी एक्स डैश टी। तो यहाँ पर अलग हम अवकलन कर दें इसका, कि डी वाई बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड डी टी श्रृंखला नियम से। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स वन डैश टी, एक्स टी इक्वल टू एक्स वन टी। समाकलन हम करेंगे, जैसे कि कोई अवकलन दे रखा है, इसका समाकलन क्या होगा, समाकलन ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइव टी एफ यानी फाइव डैश टी डी टी, यानी कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ फाइव टी फाइव डैश टी। तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी समाकलन ऑफ एफ फाइव टी फाइव डैश टी। तो प्रतिस्थापन योग्य कुछ समाकल हम देखते हैं, सम इंटीग्रल फॉर सब्स्टिट्यूशन, यानी यहाँ पर यहाँ पर हम देखें प्रतिस्थापन योग्य तुल्य समाकल क्या है, कि एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स का समाकलन क्या होगा, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टी, कुछ भी हो सकता है। दूसरा हम देखें एफ ऑफ एक्स की पावर एन एफ डैश एक्स का हो गया एफ ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। तीसरा है रैखिक समीकरण एक्स प्लस बी एफ ऑफ एक्स प्लस बी डी एक्स का समाकलन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए। नेक्स्ट हम देखें एफ ऑफ एक्स डी एक्स का समाकलन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स सी। रेखीय फलनों हेतु स्मरणीय सूत्र हम देखें, ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, रेखीय फलनों के लिए है। एक्स प्लस बी का समाकलन क्या होता है, एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई ए एन प्लस वन प्लस सी, एन माइनस वन के इक्वल नहीं होनी चाहिए। वन डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी डी एक्स का समाकलन क्या होगा, वन डिवाइड बाई ए लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस ए की वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी यहाँ पर। फिर समाकलन हम देखें ई एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू ई एक्स प्लस सी डिवाइड बाई ए। नेक्स्ट हम देखें जैसे साइन ए एक्स प्लस बी है, तो कॉस ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए हो जाएगा प्लस सी, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स है तो ये साइन ए एक्स प्लस बी डी द्वारा समाकलन विधि की सफलता इस बात पर निर्भर कर दिया, ऐसे फलनों के गुण कॉस लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर कॉस लॉग ऑफ एक्स प्लस डिवाइड बाई सी है, इसका अगर हम समाकलन करेंगे तो कॉस लॉग ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, पहली बात तो कॉस ऑफ लॉग एक्स को टी मान लिया, तो लॉग कॉस टी, और वन बाई एक्स डी एक्स को क्या मान लिया हमने, वन बाई एक्स डी एक्स को डी टी मान लिया है। और लॉग ऑफ एक्स को टी मान लिया तो कॉस टी हो गया डी टी, तो ये हो गया कॉस टी का अवकलन समाकलन साइन टी, और टी की वैल्यू हमने क्या माननी है, लॉग ऑफ एक्स, तो साइन लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। दूसरा हम देखें जैसे कि समाकलन हमें निकालना है साइन ई की पावर साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, वन डिवाइड बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स के इक्वलेंट हो जाएगा यानी डी टी के इक्वलेंट हो जाएगा। तो समाकलन क्या हो जाएगा, ई की पावर टी डी टी यानी ई की पावर टी प्लस सी यानी ई की पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। हम देखें समाकलन दिया हुआ है साइन अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, तो यहाँ पर अंडर रूट एक्स डी एक्स और वन डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या है, टू डी टी हो जाएगी यहाँ पर, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी एंड टू टू डी टी, क्योंकि वन डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू टू डी टी होगी। तो टू बाहर आ गया, साइन टी का इंटीग्रेशन कर दिया तो क्या हो गया, माइनस कॉस टी, तो कॉस माइ टू माइनस टू कॉस और टी का वैल्यू लग दिया अंडर रूट एक्स प्लस सी।
ऐसे इंटीग्रेशन दे रखा है एक, हमें निकालना है 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर 5x प्लस 2 का समाकलन हमें निकालना है। तो 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर हो गया sec स्क्वायर है 5x प्लस 2 का समाकलन। तो 5x प्लस 2 को t मान लिया हमने, तो ये हो गया 5 dx, 5 dx इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाई 5 dt। तो ये हो जाएगा एंड समाकलन ऑफ अंडर रूट sec स्क्वायर t 1 डिवाइड बाई 5 dt। तो 1 बाई 5 सेकंड बार sec स्क्वायर t, और ये हो जाएगा यहाँ पर dt आ जाएगा। t के रेस्पेक्ट में हम देखें तो sin sec स्क्वायर t का आपका समाकलन क्या होता है, sin t प्लस c। तो ये हो जाएगा 1 बाई 5 tan, t की वैल्यू है 5x प्लस 2, तो 5x प्लस 2 प्लस c आ जाएगा आंसर। अब है x के सापेक्ष आकलन हम करते हैं इनका, जैसे कि दे रखा है समाकलन ऑफ लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स है, 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ x का समाकलन, और फिर इसको हम इसमें डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी, यानी 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एन 2। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, यानी समाकलन ऑफ समाकलन हो गया टी डी टी का। और टी की वैल्यू क्या है, पूरी वैल्यू ये टी है, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इंटीग्रेशन टी का फलन क्या होगा, समाकलन क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस सी। तो टी स्क्वायर क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी। तो लॉग ऑफ एक्स का समाकलन हम देखें तो लॉग ऑफ एक्स का ये हो गया सेक एक्स, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। और लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू टी है, तो 1 डिवाइड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो ये हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी, क्योंकि लॉग के लिए 1 डिवाइड बाई सेक एक्स टेन एक्स आ गया। फिर सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स समाकलन, फिर टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी आई की वैल्यू टी डी टी, यानी टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यानी 1 बाई 2 लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। फिर हम देखते हैं समाकलन, जैसे कि एक देख रखा समाकलन 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन एक्स टेन एक्स। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन एक्स लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऊपर चला गया कॉस एक्स, नीचे आ गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, 1 बाई 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, ये dx हो गया x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये तो हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन, ये हो जाएगा 1 बाई 2 cos x माइनस sin x डिवाइड बाई cos x प्लस sin x। तो cos x प्लस sin x को t माना है, तो ये हो जाएगा समाकलन माइनस sin x प्लस cos x इक्वल टू dt, यानी कि समाकलन ऑफ 1 बाई 2 इंटीग्रेशन, यानी कि समाकलन ऑफ dx। तो 1 बाई 2 dx का समाकलन क्या हो गया, dt बाई t, अगर d है तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 x प्लस 1 बाई 2 log ऑफ t प्लस c। तो एक्स बाई 2 प्लस 1 बाई 2 लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। त्रिकोणमिति फलन है टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स और कोसेक एक्स के समाकलन हम देखें। टेन एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स। कॉस एक्स का समाकलन, कॉस एक्स को हमने टी लग दिया, माइनस साइन एक्स डी एक्स को हमने डी टी रख दिया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, और साइन एक्स डी एक्स को हमने क्या रख दिया, माइनस डी टी। तो ये हो गया समाकलन ऑफ माइनस डी टी डिवाइड बाई टी,
तो ये हो जाएगा माइनस के लॉग ऑफ टी प्लस सी, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के लॉग ऑफ कॉस एक्स, क्योंकि टी की वैल्यू हमने रखी है कॉस एक्स प्लस सी, तो ये होगा लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी। इसी तरीके से टेन एक्स डी एक्स का जो समाकलन क्या हो गया, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी, यानी माइनस के लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, क्योंकि सेक एक्स का क्या होता है कॉस एक्स भी हम लिख सकते हैं माइनस के लगाकर। दूसरा समाकलन है जैसे कि समाकलन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, तो कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, साइन एक्स को टी के हम रखें तो कॉस एक्स डी एक्स को डी टी रखेंगे, डी टी डिवाइड बाई टी यानी लॉग ऑफ टी, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। तो समाकलन ऑफ कॉट एक्स कॉट टी एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर दूसरा हम देखें कि सेक एक्स का अपकलन क्या होगा, समाकलन sec x का होगा sec x plus tan x divided by sec x plus tan x, sec x plus tan x equal to t, तो ये हो गया sec x tan x plus sec square x dx, तो ये equal to dt, तो sec x plus tan x equal dx equal to dt, तो dt by t आ जाएगा log of t plus c, यानी minus log of sec x plus tan x plus c, तो ये sec x लिख सकते हैं 1 by cos x, tan x लिख सकते हैं sin x by cos x, तो 1 plus sin x divided by cos x आ जाएगा, और 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस के टू साइन स्क्वायर साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू डिवाइड बाई कॉस एक्स को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये खोले कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस सी, तो लॉग ऑफ 1 प्लस साइन टेन टू एक्स टेन एक्स बाई टू माइनस के लॉग माइनस के टेन एक्स बाई टू, तो इट लॉग ऑफ टेन एक्स बाई फोर प्लस एक्स वाई टू प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ पर सेक एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, लॉग हम बाहर ले लें तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, यानी लॉग ऑफ टेन फाइव बाई फोर प्लस फाइव बाई एक्स वाई टू प्लस सी। नेक्स्ट हम देखें कोसेक एक्स का समाकलन क्या होगा, कोसेक एक्स का समाकलन होगा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डिवाइड बाई कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स है तो माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस के कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी टी इक्वल टू डी टी होगा, तो समाकलन क्या होगा डी टी बाई टी की वैल्यू क्या होगी, लॉग ऑफ टी प्लस सी, यानी लॉग ऑफ टी की वैल्यू कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, तो लॉग ऑफ कोसेक एक्स हो गया 1 बाई साइन एक्स माइनस के कॉट एक्स हो गया कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस सी लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ वन माइनस के वन प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू टू साइन एक्स बाई टी कॉस एक्स बाई टी प्लस सी लॉग ऑफ टेन एक्स बाई टू प्लस सी, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी लॉग ऑफ टेन एक्स बाई टू। नेक्स्ट हम देखें समाकलन के लिए वन डिवाइड बाई वन प्लस कॉस टू एक्स, तो ये समाकलन हम करें तो ये हो जाएगा समाकलन ऑफ समाकलन वन डिवाइड बाई अंडर रूट वन माइनस के कॉस टू एक्स का समाकलन, तो ये हो जाएगा समाकलन ऑफ वन डिवाइड बाई अंडर रूट टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये हो गया वन डिवाइड बाई अंडर रूट टू समाकलन ऑफ वन बाई कॉस एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा वन डिवाइड बाई अंडर रूट टू सेक एक्स डी एक्स हो जाएगा समाकलन, यानी वन डिवाइड बाई अंडर रूट टू लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि अंडर रूट sec x प्लस वन का x के सापेक्ष समाकलन हम करें तो अंडर रूट sec x प्लस वन का x के सापेक्ष समाकलन क्या होगा, sec x का हम लिख सकते हैं 1 बाई cos x प्लस सी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस cos x डिवाइड बाई x dx, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 cos स्क्वायर 1 प्लस cos 2 x को cos x लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2, तो ये हो गया यहाँ पर अंडर रूट 2 cos x बाई 2 डिवाइड बाई अंडर रूट, यहाँ पर भी अंडर रूट आ गया 1 माइनस के अंडर रूट टू साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर डी एक्स, तो अंडर रूट साइन एक्स वाई टू को टी लिख दिया हमने, तो अंडर रूट साइन का हो गया कॉस एक्स वाई टू इंटू वन डिवाइड बाई टू डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी टी के इक्विवेलेंट, तो ये अंडर रूट टू कॉस एक्स वाई टू डी एक्स टू डी टी के इक्विवेलेंट हो जाएगा, टू डी टी डिवाइड बाई वन माइनस टी स्क्वायर, तो टू साइन इनवर्स टी हो गया, तो टू साइन इनवर्स टी की वैल्यू अंडर रूट साइन एक्स बाई टू आ जाएगी। रूपांतरण द्वारा त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के उपयोग द्वारा समाकलन करते हैं, कई बार त्रिकोणमितीय फलन विद्यमान होते हैं जिन्हें त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों का उपयोग करके समाकलन योग्य बनाया जाता है,
आवश्यकता के अनुसार प्रतिस्थापन का प्रयोग करके समाकलन किया जाता है, जैसे कि कॉस 3x कॉस 4x dx, इसका हमें समाकलन करना है। तो समाकलन ऑफ कॉस 3x कॉस 4x को हो जाएगा 1/2 कॉस 3x कॉस 4x लिख सकते हैं, 2 कॉस 4x कॉस 3x dx। तो 2 2 हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या 1/2 कॉस कितना हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा, क्योंकि 2 साइन कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 है, ये कॉस से सी माइनस डी डिवाइड बाई 2 है, तो ये हो जाएगा 7x, यानी कॉस ए प्लस बी, और ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी से प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो 1/2 कॉस एक्स का अवकलन, कॉस 7x का अवकलन क्या हो गया, साइन 7x डिवाइड बाई 7 प्लस के कॉस एक्स का अवकलन साइन एक्स, ये अवकलन हो जाएगा। दूसरा हम देखें साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का, तो स्क्वायर डिवाइड बाई 2 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 1/2 1 माइनस कॉस 3x। तो 1/2 1 का समाकलन x और cos 2x का समाकलन माइनस के sin 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c, फिर cos की पावर 3x dx का समाकलन हम निकालें, तो ये हो जाएगा 1/4, क्योंकि यहाँ से पावर 4 बाहर आ जाएगी, 1/4 cos 3x प्लस के 3 cos x, cos 3x इक्वल टू 4 cos की पावर 3 x माइनस के 3 cos x। तो cos के पावर 3x इक्वल टू क्या हो गया, 1/4 cos 3x प्लस के 3 cos x, तो 1/4 साइन 3x डिवाइड बाई 3 प्लस साइन 3x प्लस सी आ जाएगा। साइन की पावर 4x dx की इक्वल टू हम देखे तो साइन स्क्वायर एक्स का पावर 2 dx, तो ये हो जाएगा समाकलन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 का ऑल स्क्वायर, तो ये 1/4 1 प्लस कॉस 2x माइनस के 2 कॉस एक्स 2 कॉस 2x dx हो जाएगा ये। तो 1/4 समाकलन ऑफ 1 प्लस के 1 प्लस कॉस एक्स कॉस की पावर 4x माइनस के 2 कॉस 2x dx, तो ये हो जाएगा 1/8, 2 भी बाहर आ गया, 1/8 3 प्लस 4 कॉस 4x माइनस के 4 कॉस 2x dx हो जाएगा। तो 1/8 3x हो गया यहाँ पर, ये साइन एक्स कॉस का समाकलन साइन 4x डिवाइड बाई 4, और ये हो जाएगा माइनस के 4 कॉस एक्स का समाकलन 2 साइन 2x। तो इसके आधार पर ये प्रश्नावली है, हम ये सॉल्व कर लेंगे।